यारानें जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। अपनी फरियाद लिख रहा हूँ, बल्कि कश्मीर में मौजूद हर शख्स की फरियाद, हर मर्द, हर खातून, हर बच्चा, वो बच्चे जो यतीम हो गए, खावतीन जो बेवा हो गई, माएँ जिनकी गोद से उनकी लाल छीन गई। न टेलीफोन के सिग्नल है, न इंटरनेट है, किसी को छता पता नहीं कश्मीर का। बस अल्लाह से दुआ है ये ख़त हमारे हालात से किसी को वाकिफ़ करते और हमारे नसीब खुल जाए, क्योंकि मुझे यकीन है ये का मीडिया ना कश्मीर की कोई कवरेज लेते हैं और ना लेने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। भाई ये तो आप पिछले 2 महीनों से कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अगर हम ही हिम्मत हार जाएंगे तो ये आज़ादी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। हमने हिम्मत नहीं हारी और इंशाल्लाह हम इस तरह आज़ादी हासिल करेंगे, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको हक न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। आपके लिए लाए हैं हम ताज़ा तरीन खबर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय स्पेशल फोर्सेज ने एक बार फिर किया दहशतगर्दी का मुजाहरा। इस दहशतगर्दी के नतीजे में कई मजलूम शहीद कर दिए गए और कई जगह माल ना दिए गए, हत्या के बच्चों को भी नहीं बख्शा। हमारा ये भारतीय हुकूमत से सवाल, कब तक चलेगी ये दहशतगर्दी, कब तक बहेगा मासूमों का खून।
अपन लोग को सुखा लेने का ठोक दे। भाई घर पे राशन खत्म हो गया। ये क्या कह रहे हो, चावल भी खत्म? हेलो को मैसेज करता हूँ। भाई आपको कुछ हो गया तो वरना तो बाकी से मर जाएंगे। जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सलाम। नमस्ते जी। नमस्ते, हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं? वो आप ऐसा करें, 5 किलो चावल कर दें, 5 किलो आटा कर दें और 2 किलो दाल कर दें, बड़ी मेहरबानी। ये हो गए जी आपके 1400 भारतीय रुपया। 1400 इतने तो नहीं है, मेरे पास फिलहाल 1200 है, आप 200 को उधार कर दो। वो तो मैं कर दूंगा लेकिन वापस मैं 400 लूंगा। यार अब ये तो बेमानी है। चलो ठीक, कोई नहीं। कश्मीर तो जन्नत है ना? हाँ बेटे, ऐसा ही है। कहते हैं कि जो भी कश्मीर को देखता है उसकी खूबसूरती से दम रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर जन्नत का नमूना इस धरती पर मौजूद है तो वो कश्मीर है। मगर जन्नत में तो सब खुश रहते हैं, तो इधर इतनी दहशतगर्दी क्यों है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको हक न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदी। इंसानी हकूक के अलमदार मोहम्मद अब्दुल्ला मुबशर कश्मीर के हालात और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी पर आज एक बैन अल-अक़वामी फोरम यूनाइटेड कंट्रीज में तकरीर करेंगे। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ गॉड, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट ग्रेशियस। Gentlemen, 1947, 14th of August, Pakistan was visible on the face of earth. The land was divided according to the population of Hindus and Muslims. Another year passed without Kashmiri citizens being given the basic human rights. Another year passed to make you realize that you failed to be a member of our organization. Gentlemen, 1947, Jammu and Kashmir had 78% of the Muslim population, making it the rightful part of Pakistan. But unfortunately, the Indian armed forces are using armed weapons against innocent Kashmiri citizens. Thousands of Muslims are brutally killed without any explanation. India and Pakistan both are nuclear powers, and when two nuclear powers collide, I warn you, gentlemen, the result will be disastrous. Let me remind you, gentlemen, the United Country Organization was made to prevent the happening of a third world war. The Indian government has been stopping Pakistan's border through the Indus glaciers located in Kashmir, which, I remind you gentlemen, was a law set by the United Countries that no country has the right to stop another country's water. Gentlemen, one wrong decision of yours or one wrong move by the Indian government can drag us into the war zone. I mean, you 2 months of time, I hope you resolve the situation within them. I hope your blocked minds and eyes will see the issue the way I see it before it's too late. Thank you. The time we gave the United Countries to resolve the Kashmir issue is over now. It's over 2 months now, and it's our time to strike. We'll give Kashmir the independence it deserves.
Our target points will be Pulwama, Kupwara, Srinagar and Jammu. We'll strike at 3 past tomorrow. This mission will be comprising of 25 men, which will be wisely distributed throughout the target points. Hence, we are the defenders of Islam. Godspeed, good luck. Gentlemen, the operation we're going to conduct today, the only intentions for the operation is to give our enemy a shut-up call. Keeping this in mind, that this operation could not turn into a war, because that would be fatal. जवानों, हम कौन हैं? हम वो बहादुर जवान हैं जो अपने मुल्क मजहब की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार, अपना घर, अपना खानदान, अपना माल, अपनी दौलत सब छोड़ छाड़ कर आ गए। क्यों और किस लिए? इस दिन के लिए। हम वो बहादुर हैं जिनकी पैदाइश पर उनके कानों में अजान की आवाज गूंजी थी। हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले बहादुर और अल्लाह पर ईमान रखने वाले बहादुर मौत से नहीं डरते। हम में से शायद आज कोई लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश फरमाए। हम में से शायद कोई ऐसा खुश नसीब भी हो जो सूरज की किरणों की रोशनी और चांद की चमक जिंदगी में आखिरी बार थी। हम मजबूत दिल रखने वाले बहादुर जवान, तो अगर हम में से कोई कमजोर दिल वाला बुजदिल है तो अभी चला जाए, क्योंकि वो हम में से नहीं। ये याद रहे कि शहीद मरता नहीं है और इसकी मौत पर आंसू नहीं भागते हम, बल्कि उसको फखर से सबुर्दे खाक करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बायस फखर होते हैं। तो कोई डर नो सर, सर कोई शक नो सर, सर कोई खौफ नो सर, सर कोई झिझक नो सर, सर तो फिर अपने हथियार थाम ले, अपना ईमान मजबूत कर ले, अपनी आंखें खुली रखे और कूद जाए मैदानी जंग में, छेड़ दे दुश्मनों की सीने। इस मोर्चे के चंद मील दूर कश्मीर की वो वादियां जो अब मैदान जंग साबित, और उस मैदान जंग में दो फौज का आमना सामना हो, एक फतेहयाब होकर वापस लौटे और दूसरी हम नहीं होंगे।
जी हाँ, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें, कश्मीर में दहशतगर्दी की कमी नज़र आने लगी।